वेलकम टू फिल्म मेकिंग फॉर म्यूजिशियंस। आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक स्टूडियो वर्जन म्यूजिक वीडियो को एडिट और कलर ग्रेड करना है यूजिंग फाइनल कट प्रो। ये सीरीज मैं अपने म्यूजिशियन फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ, तो अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे और इन वीडियोस के इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करेंगे ताकि पूरे कम्युनिटी को हेल्प हो पाए, तो मुझे बेहद खुशी होगी। जो आपने आखिरी वीडियो देखी थी, ये वाली, सांसे रुक सी गई ये धड़कन तड़पन ये कैसी मैं तो जानू ना ये कैसी बेचैनी। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा गाना जो है आपने चेकआउट कर लिया होगा। इसका एक पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 5 घंटे का FL स्टूडियो का पूरा ट्यूटोरियल है, जिसमें ये गाना पूरा प्रोड्यूस किया है, मिक्स मास्टर सब कुछ किया है। वो YouTube पे फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा FL स्टूडियो का प्रॉपर एक करिकुलम भी है bettermusicianeveryday.com की वेबसाइट पे। वहाँ पे भी इससे और ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप सीरियली चेकआउट कर सकते हो। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि यही सेम गाने को हमने शूट करने का प्रोसेस और फिर बाद में हमने इसकी वीडियो बनाई थी कि इसे हमने डाविंची रिजॉल्व पे कैसे एडिट किया, फिर कलर ग्रेड किया एंड ऑल। नाउ फाइनल कट प्रो में हम यही वाली जो सारी चीज़ें हैं उसको दोहराएंगे। मज़ेदार बात यह है कि फाइनल कट प्रो का जो है वर्क फ्लो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्म का है, क्योंकि मैं इतने सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ में हमेशा खेलता डुलता रहता हूँ, तो आई हैव फाउंड कि इससे ज़्यादा स्पीड में एडिटिंग खैर किसी और सॉफ्टवेयर में पॉसिबल तो नहीं है। तो कुछ लोग, काफ़ी लोग हैं जिनके पास में फाइनल कट प्रो है, बट मे बी इतने अच्छी तरीके से उसे ऑप्टिमाइज़ करके कैसे इस्तेमाल करना है एंड स्पेशली अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा अलग टाइप का वर्क फ्लोज फॉलो करना है, वो कैसे करेंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो, तो ये थोड़ा सा हम शोकेस कर देते हैं इस एपिसोड में। तो ये हमारे पास में रील वाला जो है फोल्डर, जिसमें हमारी रॉ फुटेजेस है। नाउ लेट मी मेक फॉर से, ये हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम चाहे तो रील्स के लिए अलग ही लाइब्रेरी बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए लाइब्रेरी बना सकते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है। तो नाउ से कि मैं एक राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एंड देन इवेंट बना लेता हूँ। फॉर से दिस इज़ आवर न्यू इवेंट, उसका नामकरण कर दिया मैंने। देन आई राइट क्लिक एंड आई क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। फॉर से ये हमारा नया प्रोजेक्ट हो गया। अभी प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही जैसे हम इस पे राइट क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट में, तो आप देख रहे हो क्या हमने सेटिंग्स, हम 4K में बनाना चाह रहे हैं या क्या फॉर्मेटिंग होना चाहता है। हम चाहें तो वर्टिकल बनाना चाहें कि यू नो रील्स वाले फॉर्मेट में, तो वो सारी चीज़ें 25 FPS अमूमन हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। REC 709 कलर स्पेस पे हम काम करेंगे डिलीवरी के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये ऑब्वियस बात है आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसकी भी देखो यहाँ पे, तो इन्फो पैनल में यहाँ आई पे यहाँ पे सारी सेटिंग्स जो आपको दिख जाती है, आप चाहो तो इसे दोबारा से यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हो। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसका नाम दे देते हैं फॉर से एडिट, एंड ये जितना भी हमारा रॉ फुटेज है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। नाउ आफ्टर दैट जो गाना मैंने रिकॉर्ड करके मिक्स मास्टर कर लिया है वो है ये वाली फाइल, ठीक। हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। राइट नाउ यू कैन सी कि ये तो माइक से जो कैप्चर हुई, जो मैंने एक्टिंग करते वक्त गाई है, वो वाली ऑडियो है। तो हमें इनको और इनको ऑब्वियसली बात है कि सिंक्रोनाइज करना है। तो फाइनल कट में बहुत ही आसान तरीका है, राइट क्लिक किया हमने एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है एडिट करने के। एक तो हो सकता है कि हम मल्टी कैम वाले मोड में ले जाकर के एडिट करें, हमारे केस में हम सिंक्रोनाइज्ड क्लिप वाले मोड में ले जाएंगे और सिंक कर देंगे और उसके बाद एक अलग तरीके से टाइमलाइन बना करके एडिट करेंगे। आई फाइंड कि इस टाइप के म्यूज़िक वीडियोस को एडिट करने के लिए ये सबसे सरल या मतलब एक थोड़ा विजुअल अप्रोच भी है, वो थोड़ा आसानी से मिलता है। नाउ विद दैट थिंग बिंग सेड, जो हमारी जो क्लिप है सिंक क्लिप, उसका फॉर्मेट मैं 4K ही रख रहा हूँ, क्योंकि हम जो है हमने प्रोजेक्ट को 4K में बनाया है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बाद में एडिटिंग के टाइम पे कुछ यू नो जूम इन पैन इन कुछ भी ऐसे इफेक्ट्स डालते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्लिप्स का रेजोल्यूशन थोड़ा हायर रेजोल्यूशन पर रहेगा एंड टाइम लाइन हमारी 1080p पे है, तो यू नो क्वालिटी लॉस होने वाले जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। एंड यू कैन ये सिंक क्लिप को आप कुछ भी नाम देना चाहो दे सकते हो। हम ऑडियो के बेसिस पे सारा का सारा चीज़ सिंक्रोनाइज हो रहा है एंड दैट्स इट। ये आप देख रहे हो सारी सेटिंग हमारी है, REC 709 कलर स्पेस रेंडरिंग एप्पल प्रोरेस या
फाइन, नाउ ये हुआ, एंड क्योंकि छोटा ही प्रोजेक्ट है तो काफ़ी कम टाइम लिया इसने, डबल क्लिक करेंगे। इसमें मज़ेदार बात ये, देख रहे हो जो भी हमने फालतू की बातचीत करी थी, जो अगर आपने डाविंची वाला एपिसोड देखा है तो बहरहाल एज अ फिल्म मेकर आपको सारे ही सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा अच्छा ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो उसमें देखा होगा कि हमको काफ़ी ये सब हमने चीज़ें पहले फालतू की चीज़ें पहले हटा दी थी, उसके बाद में हमने जो है उसके मेन टाइमलाइन पे सिंक्रोनाइज़ किया था। अभी हमने एक सिंक क्लिप वाला एक अलग ही टाइमलाइन हमें मिल गया। बहरहाल हम इस वाले टाइमलाइन पे एडिट नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम करेंगे यूँ कि हमने यहाँ पे आए और हमने क्यू प्रेस किया, एंड ये सारा सिलेक्ट करते हैं, क्यू प्रेस करता हूँ, एंड ये देखो आगे का कट गया। क्योंकि मैंने जो है, अगर आपने देखा होगा डाविंची रिजॉल्व पे भी यही एग्जैक्टली सेम कस्टम की कमांड्स मैप किए हुए हैं। अगर मैं डब्लू प्रेस करूँगा यहाँ पे आकर के, तो ये जितना भी आगे का, इसका जो आगे का जितना मसला है वो हमारा कट गया। नाउ विद दैट थिंग बिंग सेड, मैं ये सारा कमांड ए सिलेक्ट ऑल एंड कमांड सी, एंड फिर मैं ये डबल क्लिक करके अपना एडिट वाले टाइमलाइन पे जाता हूँ, एंड कमांड वी, एंड ये सारा का सारा मटेरियल हमारा यहाँ पेस्ट हो गया। ये खाली स्पेस जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं, एंड फाइनल कट प्रो बीइंग अ मैग्नेटिक टाइमलाइन, आपका इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपका, मतलब आगे का गैप आप हटाते हो तो पीछे की चीज़ें अपने आप खिसक जाती हैं। हमारे केस में क्या है कि इस प्रोजेक्ट में स्पेशली हमें जो है मैग्नेटिक टाइमलाइन नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते नहीं कि सिंक हो गया है उसके बाद में जो फाइल से इधर उधर चले। अगर ये कोई ट्यूटोरियल होता है या कोई दूसरी टाइप की चीज़ होती जिसमें स्टोरी लाइन अलग अलग है, तो शायद हम ऑब्वियसली मैग्नेटिक टाइमलाइन का इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं कि जो भी चीज़ें हम हटाएं उसके वजह से बाकी चीज़ें अपने आप टाइम पे आ जाएं, नो लाइक हमें मैनुअली उनको फिर से ऐसे करके खिसकाना पड़े। नाउ विद दैट थिंग बीइंग सेड, ये सारा का सारा हमने सिलेक्ट किया, ये ऑडियो वाले टैब पे चलते हैं या इंस्पेक्टर में, एंड देन ये सारा वॉल्यूम इनका हम ट्रिम कर देते हैं। नाउ एक बार आप सिंक चाहे तो ऐसे करके चेक कर लो, यहाँ आए गाने वाले लाइन पे, थमसी गई ये सांसें, परफेक्ट सिंक है। मैं इसे डिसेबल करता हूँ, रुक सी गई, इसे डिसेबल करता हूँ, ये धड़कन तड़पन, इसे डिसेबल करता हूँ, ये कैसी मैं तो जानू ना, इसे डिसेबल करता हूँ, ये सारा डिसेबल हो गया। खैर, अब इस तरीके से हमने ये देख लिया, और फिर मैं ये देखता हूँ कि मैं जो वोकल का जो सिंक लाइन है वो कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, फिर ये जो गाने का जो इंट्रो है उसको बिल्ड करने की जो बात है वो समझेंगे और क्या करना है उसमें देखेंगे। सो मैं अगर ऐसा करूँ, ऑप्शन एक्स ऑल्ट एक्स अगर मैं प्रेस करूँ तो सारा ऊपर से नीचे कट जाएगा। ये क्लिप्स का बाद में देखेंगे क्या करना, जो फालतू में ऑडियो क्लिप भी हमारी कट रही है, बट ये अगर गई, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, ये सांसें, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, थमसी गई ये सांसें, मे भी शायद हम इसे इस्तेमाल करना चाहे, डिसेबल आगे का, थमसी गई ये सांसें, रुक सी गई ये धड़कन, एंड देन ऑप्शन एक्स, ये सारा का सारा हमने काट दिया, तड़पन ये कैसी मैं तो जा, ठीक, एंड देन मे बी यू नो लाइक नेक्स्ट, धड़कन तड़पन ये कैसी मैं तो जानू गई ये धड़कन तड़पन, मे बी ये शायद थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो मैं ये डॉट कॉमा वाला आपने देखा नीचे एक एरो सा आता है, धड़कन तड़पन ये कैसी, ये सही जगह है। तो इस तरीके से भी हम इसको आगे ऐसे आगे पीछे खिसका सकते हैं, रादर देन खाली माउस से ऐसे करके आगे पीछे करने का, ठीक है? नाउ विद दैट धड़कन तड़पन ये, ठीक, तो ये हमारा अगला एडिट पॉइंट तैयार हो गया है, ठीक है? ये चॉप कर देते हैं, एंड थमसी गई ये सांसें, रुक सी गई ये धड़कन तड़पन ये कैसी मैं तो, ठीक है, जानू ना पे अगला कट लगा देते हैं, जानू ना ये कैसी बे, ठीक है, मे बी तो जानू ना ये गई ये धड़कन तड़पन ये कैसी मैं तो जानू ना, ठीक है, सो दिस इज अ फैंटास्टिक क्लिप आई वुड से, ये कैसी मे बी ये वाला ना, कैसी बेचैनी, ये थोड़ा जर्क सा फील हुआ, एंड ये कैसी बेचैनी है जानू ना, ये कैसी बेचैनी है, ठीक है।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं देखेंगे, कम से कम यू नो लाइक कोई फेड इन फेड आउट जैसा ट्रांजिशंस को इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे हम इस टाइमलाइन में। एंड मे बी शायद ये थोड़ा सा और आगे तक चलता, ये कैसी थोड़ा पीछे, ये कैसी बेचैनी, ये कैसी बेचैनी है। एंड सिमिलरली ऐसा करके, ये कैसी बेताबी बेचैनी है, ये कैसी बेताबी है। कट टू, खुद को ही मे बी यू नो ये वाला क्लिप ये वाला यूज करते हैं यहाँ पे, ये कैसी बेताबी है खुद को ही। या लुक्स बेटर। तो अभी तक ये हमारा टाइमलाइन कुछ ऐसा है। धौंसी गई ये सांसें, रुक सी गई ये धड़कन, तड़पन ये कैसी मैं तो जानू ना, ये कैसी बेचैनी है, ये कैसी बेताबी है खुद को ही। ऐसे करके बाकी के सारे कट्स लगा लेंगे। बहरहाल थोड़ा सा देखते हैं इंट्रो में क्या करना चाहिए हमें। तो ये जो हमारे जो भाई साहब जिन्होंने हमारी मदद करी थी रिकॉर्ड करने में, उन्होंने बेसिकली मैंने कहा था कि यार गिटार के पार्ट्स भी थोड़े ये सब चीज़ें भी ले लेंगे, वो उन्होंने किया नहीं। तो मेरे पास में एक दूसरा गाना है, प्रोजेक्ट है, उसमें हमने ऐसा कुछ शूट किया हुआ है ऑलरेडी। एंड एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा बट आई थिंक काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो दो क्लिप्स हैं इनको भी हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। एंड देन लेट्स सी, स्किप करके हाँ यहाँ से कहीं आउट मे बी, एंड देन इसको यहाँ लेके जाएं एंड यहाँ लगाएं। इस तरीके से लगाएंगे कि ये ना लगे देखने वाले को कि यार ये कुछ अलग प्ले हो रहा है। ऑब्वियसली बात है प्ले तो कुछ अलग ही हो रहा है, बट अगे मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ फिलहाल। रियल स्टेट थोड़ा स्क्रीन का कम होता हुआ लग रहा है मुझे ग्रेजुअली। ये मेरा टाइमलाइन रहा, मैं यहाँ से जा कर के क्लिप्स का जो हाइट है उन्हें कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बेस्ड ऑन ऑडियो करना है कैसे करना है। जैसे अगर मुझे ऑडियो के बेसिस पे ज़्यादा देखना हो तो मैं ऑडियो वाले वेवफॉर्म्स को थोड़ा सा बड़ा करने पे तवज्जो दे सकता हूँ। बट एनीवेज हाँ देखो कितना बढ़िया सिंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आई विल प्रेस शिफ्ट बी एंड ई वाला को इसको थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। ठीक है, एंड देन यहां पे मैं लगा देता हूं एक फेड आउट। तो इस तरीके से जो है ये सारा का सारा जो है बिल्डअप हम कर लेंगे। यहां देखते हैं कि ऐसा पार्ट जिसमें थोड़ा गिटार दिख रहा हो। यहाँ तक कट लगाते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, नीचे की बाकी की जो क्लिप्स उसे कर देते हैं डिसेबल। बाय द वे बाय डिफॉल्ट जो है डिसेबल एनेबल करने का की कमांड V होता है, मैंने उसे चेंज करके D पे कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादातर आजकल डाविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ जो है उसी के की स्ट्रोक के हिसाब से थोड़ा सा सेट हो गया। तो मैंने एक तरीके से जो की कमांड्स है सारे ही सॉफ्टवेयर्स का अच्छा खासा कस्टमाइज़ कर दिया है। एंड मतलब सबका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस मिला करके, प्रीमियर प्रो हो चाहे वो डाविंची हो चाहे वो फाइनल कट हो, वो इस तरीके से एक मैंने ऐसा सेट ऑफ वर्कफ्लो बना लिया कि मेरे लेफ्ट हैंड पे जो मेजर जो चीज़ें हैं वो हो जाएं, कि आगे का काटना है क्लिप के आगे का हटा देना है, पीछे का हटा देना है, बीच का गैप हटा देना है, या यू नो लाइक सारे क्लिप्स को काट देना है, या सिंगली एक क्लिप को काटना है जो सिलेक्टेड है उस पर। तो ये सारे की कमांड्स मैंने उस तरीके से मैप कर लिए। जैसे मैं अगर एक्स प्रेस करता हूँ तो ये सिंगल जो सिलेक्टेड क्लिप है कट जाता है। अगर मैं क्या कहते हैं कमांड जेड किया मैंने, और अगर मैं
ऑल्ट एक्स प्रेस कर देता हूँ, देखो ऊपर से नीचे तक सब कुछ कर जाता है। तो ये जो की कमांड्स है ये मैंने कुछ मैप कर लिए हैं बड़े सलीके से, इससे एडिटिंग जो है बड़ा फास्ट हो जाता है। तो हम जो है अपना क्रिएटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं रादर देन कि यू नो कीबोर्ड और माउस के साथ फाइट करने पे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, दैट यू हैव टू गिव सम टाइम टू। तो ठीक, अब ये वाला जो क्लिप है इसमें मैं एक काम और करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और मूवमेंट आएगा तो फर्जीपन ना जो है थोड़ा सा और हमारा गायब हो जाएगा। उसके लिए मैं ये जो है हमारा ये स्टार्ट जो है हमारा थोड़ा थोड़ा सा जूम्ड इन होगा एंड ये एंड होगा अपना ऐसा जूम आउट पे। थोड़ा सा शॉर्ट में मूवमेंट आ जाता है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाता है ये। एंड यही सेम जो हमने फाइल लिया था इसमें से देखते हैं आगे का तरफ और यहाँ देखो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें मिल जाएगा। एंड लेट्स सी, तो इस तरीके से इसको थोड़ा और सिंक्रोनाइज करके देते हैं, देखते हैं आगे पीछे और कुछ वो लगा के। इफ़ वी प्रेस टी तो हम इसे स्किम थ्रू भी कर सकते हैं इस क्लिप को कि कौन सा फ्रेम कहाँ पे आ रहा है। ए प्रेस करके अपना जो नॉर्मल टूल है उस पे चले जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट ये सारा का सारा सिंक करके हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, उसे एडिट कर लेते हैं। ओके, तो हमने थोड़ा टाइम लगाने के बाद में ये सारा सिंक्रोनाइज हो गया, ये हमारा क्लिप्स कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, यू कैन सी। So you see, like final cut जो है ना काफी स्मूथ है ऐसे मामले में। ये फुटेज 4K पे शूट हो रखा है A7S3 Sony का, उससे कलर प्रोफाइल है S-Log3। बट यू कैन सी कि हम पूरा बेटर क्वालिटी पे ही ये फुटेज आराम से स्मूथली रन हो रहा है एंड दैट टू एक काफ़ी हैवी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो है बैक एंड में हमारा चल रहा है, जो कि ये सारा ऑडियो जो भी मेरा माइक्रोफोन का ऑडियो है और ये सब कुछ भी कैप्चर कर रहा है इस मामले में। इसके अलावा भी जब हम इफेक्ट्स लगाएंगे और कोई चीज़ रन नहीं करती है तो देखेंगे उसे कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ये जब सारा एडिट हो गया है मेरा टाइमलाइन और यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं ये जो डिजेबल्ड क्लिप्स हैं इन्हें हटा देता हूँ यहाँ से। एंड ऑब्वियसली बात है नीचे वाले क्लिप्स नहीं दिख रही, इन्हें हटा देते हैं। एंड ये वाले को कट करें, ये वाले को थोड़ा सा इसको ऐसे हटाएं, ये वाला साइड जो है इसे हटाएं। नाउ यू कैन सी ये सांसें रुक सी गई, ये धड़कन तड़पन, ये सी सीमलेस होना चाहिए कट। ये यहाँ पे क्लिक करके अपना हम ये भी चीज बना सकते हैं कि आगे पीछे अगर एक आधा फ्रेम ले जाना हो, रुक सी शायद थोड़ा सा रुक सी गई ये धड़कन तो इस तरीके से एक आधा फ्रेम नाच करके और बेहतर हो सकता है। वैसे तो हमें ऑडियो वेव फॉर्म दिख ही रहा है उसके हिसाब पे। एक काम ये भी करते हैं कि ये फालतू में ऑडियो वेव फॉर्म में जितना कट लग गया है तो इसको वापस से ऐसा कर देते हैं रिस्टोर और इनको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ये ऑडियो वेव फॉर्म में यहाँ पे पकड़ के एक ऐसा करके प्यारा सा फेड आउट भी लगा देते हैं एंड डन। ये काम हो गया, थोड़ा फटाफट से क्लीन कर दें। ठीक है, ये सॉर्टेड हो गया। इस पे भी मैंने अगर आप देखो राइट क्लिक करके अगर कमांड आर प्रेस करता हूँ तो यू कैन सी कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन वाला इफेक्ट, क्या कहते हैं, स्पीड रैंप इस्तेमाल किया और ये 25% स्लो हो जाता है। अब बात ये है कि ये जो मेरा क्लिप है ना, अगर यहाँ पे इन्फो में जाओ तो ये 25 FPS पे ही शूट हो रखा है, पर हमने अगर इसको 4 गुना स्लो किया तो ऑब्वियस सी बात है जर्क और अटकने वाली बात आएगी।
यहाँ पे मैं गया हूँ वीडियो क्वालिटी में बेस्ट मशीन लर्निंग पे इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि ये नया वर्जन ऑफ फाइनल क्लट है, इसमें ये नया ऑप्शन आ गया। पहले ये बेटर ऑप्टिकल फ्लो जो है यहीं तक कर पाते थे, तो मैं 25% तो नहीं स्लो करता, उसे 50% तक स्लो कर लेता और ऑप्टिकल फ्लो से उतना मैनेज हो जाता। नाउ ये देख रहे हो कि ये इतना हैवी रियल टाइम इफेक्ट्स इस पे चल रहा है। इसके बाद मैंने एक ट्रांजिशन लगाया जिसके ऊपर मैंने बेसिकली यहाँ से ये गॉजियन ब्लर वाला जो है ट्रांजिशन उसे ड्रॉप इन कर दिया है। करने के बाद में इफ़ आई क्लिक इन हियर, उसका वैल्यू मैंने थोड़ा 50% कम कर दिया है, ठीक। एंड इसके बाद में ये जो क्लिप है थोड़ा अटक के चल रहा है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आर और ये आप देख रहे हो यहाँ पे चरखी घूम रही है एंड रेंडरिंग चालू हो गया है। एंड जस्ट एक ही सेकंड में आप ये देख सकते हो कि स्मूथ अभी कैसा ये प्ले हो। ठीक है, तो इट वर्क्स। एंड यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ एंड आई एम गोना हैव द नेम इन हियर, या इस तरीके से ये लगाया एंड यहाँ पे गए इस पे एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक अगर रील होता तो मे बी हम फॉलो लिखते हैं यहाँ पे एंड एक यहाँ पे थैंक्स भी लिख देते हैं। नाउ थोड़ा सा स्टाइलाइज कर देते हैं इसको, इस वाले फॉन्ट को हम अपना ये फॉन्ट ले लेते हैं एंड सी बड़ा बड़ा इसे लिख दिया हमने, इसे थोड़ा ऊपर उठाते हैं। नाउ ये वाला जो फॉन्ट है इसको हम ले लेते हैं बेबस न्यू, ठीक है, आई थिंक ये भी चलेगा। एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड इसका जो बेस लाइन है इसे थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे ले आते हैं एंड ये जो थैंक्स वाला जो लाइन है इसको भी यही सेम दे देते हैं, या दिस वन, ठीक है। तो थैंक्स को थोड़ा सा बड़ा बड़ा और कर देते हैं इतने में एंड फिर बेस लाइन शिफ्ट कर देते हैं। नाउ ये सारा का सारा मटेरियल हमारा ऐसा बढ़िया सा बन गया है, स्टाइलिस्टिक भी लग रहा है देखने में। ये आपका बेसिकली आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा आप क्या करना चाह रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉप शैडो डिज़ाइन कर देता हूँ इसमें एंड डिस्टेंस। अच्छा गड़बड़ ये हो गया कि मैं एक्चुअली में जो ड्रॉप शैडो है ये सभी पे लगाना चाहता हूँ, सिलेक्ट ऑल एंड ड्रॉप शैडो एंड देन जो भी हमारा डिस्टेंस ब्लर ओपेसिटी ये सब हम सेट करना चाहें इस तरीके से। इनको अगर हम अलग अलग कलर्स भी देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं, दैट शुड बी फाइन। एंड बल्कि सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसका जो फेस है इसका कलर को कर देते हैं अपना समथिंग लाइक दिस गोल्डन एंड कमांड टी। सी सिंपली एकदम बढ़िया हो गया ये चीज हमारा। नाउ विद दैट थिंग बीइंग सेड, अब ये जो फ्रंट है उसमें भी हमें यही चीज लिखनी है। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड इसमें से अपना ये हटा दो एंड यहाँ पे अपना नाम लिख दो, आई थिंक कैप्स में लिख देना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू लूज द फॉन्ट, ये रहा, ठीक है। अब जो है मैं अपना बेस लाइन को जहाँ चाहूँ वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ और ये
इसका इसको मैं ऐसे अलाइन कर देता हूँ इस तरीके से, लेफ्ट ओरिएंटेड। ओके आई थिंक लुक्स गुड। एंड इसका बेस लाइन थोड़ा सा और शिफ्ट कर दूं मैं यहाँ पे, एंड इसकी ट्रैकिंग थोड़ी सी और खोल दूं मैं। यप छोटा ही रखना चाहता हूँ मैं इस नाम को। यप डन विद दैट। इसको जितना हमें चाहिए उतना हम लंबा कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। इन ग्राफिक्स आपके स्वाद अनुसार थोड़ा आगे पीछे जहां से भी आप चाहो वैसा स्टार्ट करना वो आप कर सकते हो। अब सारा का सारा हमारा लॉग पे है मजेदार तरीके से। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि इसको कलर ग्रेड करना है, तो बहुत ही सिंपली हमने यहाँ चलना है। एक ये मैंने एक थर्ड पार्टी एडजस्टमेंट लेयर डाउनलोड किया हुआ है, सिंपली इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ टेक्स्ट से पहले बेसिकली, एंड यहाँ पे भी लगा देता हूँ। टेक्स्ट वाली लेयर को ऊपर कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट तो हमारा नॉर्मल कलर्स में है, तो ये हमारा मे बी अगर बेस कलर हो चाहे जो भी हो वो देख लेंगे। पहले पहले जो है इस पर हम चलते हैं। एंड एक मसला जो है कि ये हमारा वैसे तो लॉग में है तो हमें लॉग कन्वर्जन करके ही इसको डेवलप करना चाहिए, बट इसके अलावा अगर हम सिंपली ऐसे चलें व्यू पे वीडियो स्कोप्स में एंड ये वाला पार्ट जो है हम करते हैं बंद अपना साइड वाला, ताकि हमें ये मीटर्स जो है थोड़े बड़े बड़े दिख पाए, एंड मुझे ये स्क्रीन भी बड़ा दिख पाए, ये भी बड़ा दिख पाए। यहाँ पे दो चीज़ें मैं देखना चाहूँगा, हिस्टोग्राम बेसिकली वेक्टरस्कोप एंड वेवफॉर्म। तो ये लगभग 100 तक इसका कॉन्ट्रास्ट और वो पहुँचाएंगे। दोनों ही तरीके आई थिंक शुड वर्क, बट पहला मैं ऐसा कर लेता हूँ सिंप्लीफाइड। अगर आपके पास में लॉक कन्वर्जन वाला कोई वैसा ऑप्शन नहीं है तो हम सिंपली यहाँ से जाकर के कलर एडजस्टमेंट से ही सारा कर सकते हैं। एक काम और देख लेते हैं, फॉर से लेट्स से वी गो हियर मीडिया में, ये सारा का सारा हमारा जितना मीडिया है यहाँ पे इनका इन्फो में अगर है, इसे अगर हम एक्सटेंडेड में डालें यहाँ पे कैमरा लट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एस सीनेटोन इसके अंदर इनबिल्ट है। तो ये करने से हमारा जो है सीधे सीधे अगर आप देखोगे पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें कलर्स वैसे आ गया है। नाउ विद दैट थिंग बीइंग डन, इसके आगे का जितना भी कलरिंग है वो हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये वाली जो फुटेज है इसका कलर नहीं आया है क्योंकि हमने इसका किया ही नहीं चेंज। तो एनीवेज इन दोनों पे भी चलते हैं, ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं इन्फो में जा करके कैमरा लट एस लॉक 3। ठीक है, डन हो गया, ये सारा का सारा एस लॉक 3 में सिलेक्टेड है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बेसिकली कलर वाले ऑप्शन पे। नाउ वैसे ही देखो ये ठीक ठाक लगने लग गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा मैनुअली कुछ नहीं करना चाहता हूँ इस पर। एनीवेज यहाँ चलें, अगर हम ये नया वाला कलर एडजस्टमेंट्स वाला टूल जो है ये ले लें, एंड इससे अगर हम थोड़ा सा हल्का सा नन्ना सा सैचुरेशन ये आ गया, एंड इसे हटाओ, डिलीट करेक्शन, कलर कर्व्स, एंड देन वी हैव द टूल कॉल्ड, इसे भी डिलीट करते हैं, कलर व्हील्स, काम करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ से जो है पहले नॉर्मल वाला कलर बोर्ड लगाते हैं, एंड हल्का सा सैचुरेशन ना थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसे अनचेक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपना कलर एडजस्टमेंट वाले में। यहाँ से एक बार देखते हैं, दोनों का थोड़ा सा असर अलग है, हाइलाइट्स का वार्म्थ थोड़ा एडजस्ट कर लो,
टिंट, ओके, मिड टोन्स का वार्म्थ थोड़ा सा, एंड थोड़ा टिंट, यस फाइन, इसका वार्म्थ एंड इसका टिंट, ओके, दैट सीम्स टू बी फाइन विदाउट दिस, विद दिस, या डेफिनेटली बेटर. ये पूरा नीचे और ऊपर सारा ये पहुंच गया है हमारा. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, रादर देन इतना सब तामझाम करने के, मैं यहाँ आता हूँ. ये कलर व्हील्स वगैरह का एडजस्टमेंट को बाद में देखेंगे, इसे ट्रैक कर देता हूँ मैं. कलर बोर्ड को तो हम हटा ही देते हैं इसमें से, डिलीट, एंड यहाँ इफेक्ट्स में आते हैं एंड पुट एल यू टी कस्टम लट. मैंने कुछ कस्टम लट्स बाय डिफॉल्ट इसके उसमें क्या कहते हैं इंस्टॉल किए हुए, उसमें से मैं ये वाला लेता हूँ. लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा हमने ये लिया था. लेट्स डायल इट अ लिटिल बिट बैक, थोड़ा सा ऐसा, समवॉट लाइक दिस, ओके, बढ़िया लग रहा है ये आई गेस. ओके, तो ये सारा का सारा एडजस्टमेंट जो है ना हमारा हो गया है नीचे वाले पे. ये सारा का सारा मैं करता हूँ कॉपी एंड आई एम गोना प्रेस ऑप्शन कमांड वी. ठीक, थोड़ा अभी ओवर हो जाएगा एंड इसमें से बंद कर देते हैं. ठीक है, नाउ ठीक है, तो इसे नीचे ले आते हैं. मैं एक ही एडजस्टमेंट लेयर पे सारी चीज़ें कर लेता हूँ. ठीक है, ऑप्शन कंट्रोल एक्स अगर कर देंगे तो ये जितना भी चीज़ें था इसमें सब रीसेट हो गया. खैर, इसे बंद करते हैं इसका ऑडियो को. देखो सब में कलर जो है चढ़ गया सारे क्लिप्स पे एंड दे प्रिटी लुक डिसेंट, बढ़िया लग रहे हैं देखने में. नाउ अगर हम यहाँ पे जाएं एंड वेक्टरस्कोप देखें एंड स्किन टोन अगर हम देखना चाहें कि कैसा हुआ है, लेट्स पुट अ मास्क इस वाले क्लिप पे, लेट्स ड्रॉ अ मास्क समवेयर हियर एंड वी कैन सी कि ये थोड़ा सा हिल गया है मेरा जो है स्किन टोन. तो ये जो मैंने कलर व्हील्स लिया हुआ था इसको नीचे लाता हूँ एंड लेट मी एडजस्ट अ लिटिल बिट ऑफ, तो ठीक है टेम्परेचर टिंट थोड़ा इधर. ठीक, दैट थिंग बीइंग सेड हम जो है इस पे आते हैं और मास्क को डिसेबल कर देते हैं. यहाँ चलते हैं एंड यू सी विदाउट दिस विद दिस विदाउट दिस विद दिस, ये मच मोर कलर एक्यूरेट चीज़ होगी. या तो हम लट का इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ा लेते हैं. दोबारा से मैं चलता हूँ इस पर, लेट मी हैव अ लुक एट दिस. थोड़ा सा हल्का सा ऑफ हुआ है बट सीम्स टू बी फाइन. ठीक है, ये स्किन टोन की लाइन से थोड़ा सा हल्का सा ये हिला हुआ है बट लुक्स गुड एक्चुअली. अब मैं यहाँ चलता हूँ, लेट्स फाइंड शार्पनिंग इफेक्ट एंड पुट इट इन हियर. हल्का सा शार्पनिंग हो गया इससे, सी बिकॉज हमने कैमरा में कोई भी शार्पनिंग नहीं इस्तेमाल करी थी एंड ये जो फुटेज है यहाँ पे दे लुक अ लिटिल बिट डल क्योंकि ये थोड़ा कम एक्सपोजर पे शूट हुआ होगा. तो ऐसा करते हैं यहाँ पे आता है एक्सपोजर में इनका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ऐसा बढ़ा देते हैं इस तरीके से एंड हाइलाइट्स सब एडजस्ट करके एंड क्या इसे थोड़ा और वार्म्थ इसका कम करने का ज़रूरत है हमें मे बी. थोड़ा नीलेपन की तरफ ओवरऑल. ठीक
ठीक है, लुक्स सीम्स टू बी फाइन, एंड सैचुरेशन मिड टोन में थोड़ा कम कर देते हैं, एंड ऐसे भी, एंड ऐसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं. ऑल्सो लेट्स पुट अ लिटिल बिट ऑफ कर्व्स. हाँ, तो अगर हम ये देखें विदाउट दिस विद दिस, बढ़िया हो गया. ठीक है, कमांड सी एंड ऑप्शन कमांड वी, सारा का सारा इफेक्ट्स इस पे पेस्ट हो गया. सो नाउ यू कैन सी कि ये जो नाम वगैरह है ये भी ठीक ही लग रहा है देखने को. हम थोड़ा और लंबे देर तक रख सकते हैं इसको. मेबी से यहां लाए. या मेबी इसके बाद. गई ये सांसें, रुक सी गई ये धड़कन, तड़पन ये कैसी मैं तो जानू ना, ये कैसी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड है शायद, ऐसा लग रहा है अब. क्यों ना मैं यहाँ जा कर के थोड़ा सा हल्का सा हाइलाइट्स ट्रिम कर दूं इसका, तो आई थिंक दैट विल हेल्प अस अ लिटिल बिट. ये मोस्टली जो हमने लॉग कन्वर्जन किया है उसकी वजह से हुआ है ये खेल. लेट मी सिलेक्ट ऑल द क्लिप्स एंड ये हम एक अगला जो प्रोसेस है देखेंगे कलर ग्रेड करने का. मे बी ये थोड़ा सा जल गया है, दैट इज वाई ये अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाया है कि हम यूजुअली ओवर एक्सपोज्ड शूट करते हैं कंटेंट लॉग पे जब होते हैं तो. नाउ लेट्स गो इन हियर टू द इन्फो पैनल एंड ये जितना भी कैमरा अलर्ट है इसे नन कर देते हैं. तो ये सारा का सारा हो गया है हमारा फ्लैट. ठीक है, डन, बात खत्म हो गई है. नाउ विद दैट थिंग बीइंग सेड, अब जो है हमारा सैचुरेशन और सारा काम थोड़ा सा तेज हो जाएगा. आई डो नॉट थिंक इट इज़ गन अ वर्क. इसको हम रीसेट कर देते हैं सारा एंड यहाँ चलें. ये जितना भी हमारे पास में लर्ट्स एंड स्टफ ये सब पड़ा हुआ है इसे डिजेबल करते हैं एंड फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट आवर एक्सपोजर. ये ऊपर चला गया सारा. या लुक्स गुड एंड कॉन्ट्रास्ट आप ऐड कर सकते हो, ये थोड़ा नीचे ले आओ एंड ब्लैक पॉइंट थोड़ा नीचे ले आओ. ओके, नाउ ऐड अ लिटिल बिट मोर कॉन्ट्रास्ट. ब्लैक पॉइंट थोड़ा ऊपर ले जाते हैं. जस्ट लुकिंग एट द वेवफॉर्म एंड बोथ, ये क्या कहते हैं आपका ब्लैक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर और ले जाते हैं. हाइलाइट्स जो है कैसा रखना है वो देख लेते हैं. ब्राइटनेस ओवरऑल कैसा रखना है एंड शैडोज को जो है क्या करना है ये देख लिया जाए. देन पुट अ लिटिल बिट ऑफ सैचुरेशन टू इट. ठीक है, लुक्स गुड. कितना वार्म्थ और लेट्स मे भी थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा इधर लेके जाते हैं हल्का सा एंड मे बी इसका
इम्पोर्टेंट. नाउ आई थिंक हमको जो है अब एक्चुअली में फोकस कर लेना चाहिए हमारा स्किन टोन पे, कि स्किन टोन हम ख़राब ना कर दे पहले ही. दैट इज गो हियर टू वेक्टरस्कोप एंड फाइंड अपना जो मास्क है एंड कम हियर. ठीक, स्किन को सिलेक्ट कर लेते हैं. गो टू दिस पार्ट. यू सी ये लगभग ठीक है हमारा स्किन, अभी तक हमने ऐसा कुछ खास ख़राब नहीं कर पाए हम इसे. या इट शुड बी समवेयर हियर. एंड अगर हम इसको डिसेबल करें, कम बैक इन हियर, सीम्स टू बी फाइन. शैडो में से थोड़ी सी वार्म्थ कम करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट कॉन्ट्रास्ट. भी थोड़ा सा कम हो गया इससे एंड लेट्स ऐड अ लिटिल मोर कॉन्ट्रास्ट. थोड़ा सा हाइलाइट्स और ट्रिम करते हैं, जलने सा लग रहा है फुटेज. ठीक है, सीम्स टू बी फाइन. हम देखेंगे अगले फेज में कि क्या करना है. लेट्स कम हियर और अगेन एंड कम हियर अगेन. एंड यू कैन सी कि हमने जो है ये थोड़ा सा ऐसा स्किन टोन हिला दिया है. थोड़ा सा हाइलाइट्स को भी एडजस्ट कर देना चाहिए ऐसा केस में. नाउ अगेन, या सीम्स टू बी फाइन. अब हम एक काम करते हैं, अपना इस वाली क्लिप पे चलते हैं एंड जो हमने कस्टम लट लगाया था उसे इनेबल करते हैं. यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है. वी कैन यूज़ दिस मच. ठीक है, ये व्हील्स को देख लेते हैं एक बारी. व्हील्स में से इसे रीसेट कर लिया जाए. डिलीट कर देते हैं इस करेक्शन को एक्चुअली में. व्हाट ऑल वी हैव, शार्पनिंग है हमारे पास में, दैट इज़ फाइन. अब ये जल नहीं रहा है एंड दैट इज़ a little bit crucial ki jalena mera footage. Now come here and add color curves. Okay, and is pe main thoda sa aisa contrast aur add karta hu. Now you can see ki we have a pretty good footage jisme chehra jala bhi nahi hai, contrast bhi badhiya aa gaya and it falls within the legal terms. Overall you can see ki hamara footage jagah jagah pe कैसा लग रहा है. आई थिंक कि अब इसको जो हमने थोड़ा सा ज़्यादा बैंगनी वगैरह कर दिया होगा वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. शिफ्टिंग टोन्स हियर एंड देयर. ठीक है, इसे रहने दो. एंड सैचुरेशन नॉल ऑल्सो सिमिलरली इस वाले पे आओ. यहाँ पे इसके कलर बोर्ड पे लेट्स reset everything. Same thing. ठीक है, so now let's see. थमसी गई ये सांसें, रुक सी गई ये धड़कन. आई कैन सी कि हम कहाँ थे एंड कहाँ पहुँच गए हैं इन टर्म्स ऑफ कलर. एक चीज़ और कर सकते हैं, दैट इज पुट अ वीनियट मास्क. यस, वी कैन डू दैट. एंड इसका काफ़ी दूर कर दिया जाए, इसे थोड़ा यहाँ रखा जाए एंड दैट वे get a decent vignetting effect side में. and on top of that अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक और similarly यही shape mask हम ले लेते हैं. shape mask नहीं, हम actually लेते हैं एक blur जिसका नाम है Gaussian blur.
ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज ब्लर्ड ऑब्वियसली, और मुझे चाहिए कि मैं ऐसे करूँ मास्क, एड अ शेप मास्क, और ये मेरा मास्क कुछ इस तरीके का हो ऐसा, और इसके बाहर ऐसा चला जाता हो बढ़िया तरीके से, एंड तो इधर की तरफ ही हमारा फेसेस है। तो इसके बाद में इसको कर देंगे हम सिलेक्ट इन्वर्ट मास्क। तो इधर का पीछे का जो मसला है हमारा, यू विल सी कि वो जो है थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, और थोड़ा ये मस्त हेलेशन सा भी आ गया उसकी वजह से। नाउ लेट्स हैव अ लुक। थमसी गई ये सांसें, रुक सी गई ये धड़कन, तड़पन ये कैसी मैं तो जानू ना। सो वी हैव कम अप विद अ प्रोफेशनल कलर ग्रेडेड एंड उस तरीके का स्टफ, एंड मैं एक बार कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ ताकि ये सारा रेंडर हो जाए एक बारी, सो दैट वी गेट अ स्मूथ प्लेबैक। ओके, सो रेंडर हमारा फाइनल हो गया है, एंड अभी तक आपने देखा होगा उसमें से कुछ चीज़ें आपको थोड़ी टेक्निकल लगी होंगी, शायद थोड़ा उस पर और आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बट यू सी कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स या जो भी स्टफ़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, अमूमन मेरा सीन ऐसा है कि मैं इनको एकदम घोल के पी गया हूँ। मैंने अगर कोई छोटी से छोटी कोई भी कहीं पे भी कुछ दिक्कत या कोई बग हो जाती है तो आई नो कि हाउ टू रिजॉल्व इट। आई थिंक दैट इज़ समथिंग वो ग्रेजुअली आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपको अपना वर्क फ्लो को स्मूथ करना है। नाउ लेट्स डू अ प्लेबैक। गई ये सांसें, रुक सी गई ये धड़कन, तड़पन ये कैसी मैं तो जानू ना। ओके, सीम्स टू बी फाइन एक्चुअली। इंडेक्स को मैं बंद कर देता हूँ, लेट्स प्ले बैक वंस अगेन। ये कैसी बेचैनी है, ये कैसी बेताबी है, खुद को ही मैं यूं पहचानू। आई थिंक इसमें से जो आखिरी जो मेरा नाम है उसको थोड़ा सा इसके बाद लाना चाहिए मुझे, एंड लेट्स डू अ री रेंडर सो दैट वी कैन हैव अ प्ले बैक। ग्रेट, तो यहाँ पे मैं ये जो ट्रांजिशन है इसको भी थोड़ा ऐसे ला सकता हूँ कि लेट्स हैव अ यू नो सिंपल ब्लर ट्रांजिशन ऑन। नाउ लेट्स डू अ रेंडर। इतना हैवी हो गया तो ऑब्वियसली हाई क्वालिटी पे चलेगा नहीं फुल स्क्रीन। दिस सीम्स टू बी फाइन। ऑल्सो अगर आप चाहो तो इस पे ना थोड़ा सा की फ्रेम भी कर सकते हो। नाउ कम हियर टू दिस पार्ट एंड गो टू ट्रांसफॉर्म स्केल, ठीक है, दिस 100%। थोड़ा ही आगे लेके आता हूँ, लेट्स डू मे बी 105 या 108। ओके, एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल वी तो ये हमें की फ्रेम एडिटर दिख जाता है। ओके, बाय द वे यही बात है कि
कुछ ज़्यादा ही हमने इसे रट दिया है। प्रेस कंट्रोल आर अगेन, क्योंकि इतना हैवी हो गया प्रोजेक्ट तो इसके बिना चल नहीं पाएगा। तो आपका बैकग्राउंड धीरे धीरे जूम आउट हो रहा है, आपका टेक्स्ट ग्रेजुअली जूम इन हो रहा है, एंड आई थिंक दैट एक्चुअली लुक्स फैंटास्टिक, एंड आई होप दैट यू गाइस रियली एंजॉयड द एंटायर प्रोसेस। और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपका सपोर्ट मेरे साथ एज लाइक कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन हमेशा की तरह बना रहेगा। मैं अरिजीत साह लेता हूँ आपसे इजाजत, बट जाते जाते अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना है बिना टाइम वेस्ट किए, तो आप bettermusicianeveryday.com को चेकआउट कर सकते हैं। आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड कोर्सेज भी वहां पर मिल जाएंगे। वंस अगेन थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।